जिन छह बड़ी खबरों पर विस्तार से हम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे जो दिन भर आज सुर्खियां बटोरने वाली हैं। सबसे पहले शुरुआत पश्चिम बंगाल की तस्वीर के साथ, जहां संग्राम की स्थिति है और कहा यह जा रहा है कि ये तो संग्राम का सोमवार है। एक तरफ व्हील चेयर पर ममता बनर्जी आज चुनाव प्रचार करती हुई नजर आएंगी, रैली उनकी पुरुलिया में है, 1:30 बजे वहां भी बोलेंगी। और इसके अलावा लखनऊ गोलीकांड में नया मोड़ आ गया है क्योंकि बहू अंकिता ने खुदकुशी की कोशिश की है, ताजा हालात क्या है बताएंगे। बैंक से जुड़े हुए अगर आपके आज जो भी काम है, आज और कल आपको परेशानी होने वाली है क्योंकि दो दिन सरकारी बैंक कर्मचारियों ने हड़ताल का ऐलान किया है। इसके साथ ही आपको बताएंगे कि वाजे पर लेकर कैसे विवाद खड़ा हुआ है, वाजे वर्सेस शिवसेना वर्सेस बीजेपी। जी हां, वाजे की इंटरनल स्टोरी क्या है, क्या इनपुट आया, ये सब आपको बताएंगे। साथ ही साथ बात करेंगे कोरोना की बेकाबू रफ्तार की। जी हां, जिस तरीके से सर्ज आया है, कौन कौन से वो इलाके हैं, कौन कौन से वो राज्य हैं जहां पर सॉफ्ट लॉकडाउन या पूरा लॉकडाउन शुरू हुआ है, सर्ज कितना हो रहा है, कितने मरीज बढ़ गए, क्या 2 महीने में सबसे ज्यादा आंकड़े आए। साथ ही साथ अच्छी खबर दिल्ली एनसीआर में उन लोगों के लिए जिनके लिए गाजीपुर बॉर्डर इतने महीने बाद खुल गया है। आप इन सभी बड़ी खबरों पर अपडेट आप तक पहुंचाएं, लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ करें। एंटीलिया केस से जुड़ा बड़ा अपडेट मिल रहा है जिसमें एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है जिसमें कमिश्नर दफ्तर से कई बार वो इनोवा कार निकलते हुए देखी गई है, जिस इनोवा गाड़ी को एनआईए ने बरामद किया है। इनोवा गाड़ी के कई बार बदले गए नंबर प्लेट, जी हां, ये भी सीसीटीवी फुटेज में आया है, ये इन्वेस्टिगेशन में आया है। साथ ही साथ क्राइम ब्रांच की सीआईयू यूनिट की थी इनोवा, यानी जो चीफ इंटेलिजेंस यूनिट थी महाराष्ट्र सरकार की, उसके लिए ये इनोवा काम करती थी। एक जमाने में वजे के ही अंडर में सीआईयू आती थी, इससे कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। अब सचिन वजे की गिरफ्तारी के बाद माना यह जा रहा है कि कुछ और अधिकारी नप सकते हैं, कुछ और पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। पूछताछ का सिलसिला लगातार चल रहा है। जो सीसीटीवी फुटेज पहले सामने आए थे, दो गाड़ियां दिखी थी, स्कॉर्पियो इनोवा, इनोवा की लगातार तलाश चल रही थी, लेकिन अब एनआईए ने जब ये जांच अपने हाथ में ली तो एनआईए के जरिए इनोवा गाड़ी बरामद भी कर ली गई है। जब गाड़ी बरामद हुई है, सचिन बजे की गिरफ्तारी हुई है, तो माना जा रहा है कि कई राज और खुलने वाले हैं। बिल्कुल, सीधे चलते हैं मुंबई जहां से प्रीति सोमपुराम से जुड़ गई हैं। प्रीति, मिस्ट्री जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। सचिन बजे का नाम आया, एनआईए ने उनको बुलाया, पूछताछ की, अरेस्ट किया, स्कॉर्पियो थी, स्कॉर्पियो के बाद ये हुआ इनोवा गाड़ी है, इनोवा गाड़ी को ट्रेस किया गया, इनोवा गाड़ी सीआईयू यानी जो इंटेलिजेंस यूनिट है जिसको एक जमाने में वजह हेड करते थे उससे रिलेटेड है। किस तरफ जा रही है जांच की आज? देखिए, अगर जांच की बात करें तो रोज नए नए खुलासे जो है अब इस मामले में हो रहे हैं क्योंकि एनआईए के द्वारा जो है इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया है और कल ही जो है इस मामले में 4 सीआईयू अधिकारियों से देर रात तक पूछताछ हुई है। तो माना यह जा रहा है कि सचिन वाजे जो है वो तो छोटी मछली है, लेकिन इसमें और भी बड़ी मछलियां जो है गिरफ्तार आगे आने वाले दिनों में हो सकती है। इस पूरे मामले का मास्टर माइंड कौन था, इसका खुलासा भी जो है जल्द ही हो जाएगा। इसी बीच में जो है इंडिया न्यूज के हाथ में जो है एक सनसनी केस सीसीटीवी मिला है, जो दो सीसीटीवी मिले हैं, एक जो सीसीटीवी है 24 फरवरी का है और दूसरा सीसीटीवी जो है वो 13 मार्च का है, यानी कि जब सचिन वजे की गिरफ्तारी हुई थी उसके ठीक एक दिन पहले जब उनकी पूछताछ चल रही थी उसी दिन का है। उसमें साफ तौर पे देखा जा रहा है किस तरीके से इनोवा गाड़ी जो है मुंबई पुलिस कमिश्नर के दफ्तर में अंदर जाती हुई दिख रही है और यही इनोवा गाड़ी है जिसका इस्तेमाल जो है स्कॉर्पियो गाड़ी, जो जिलेटिन से बड़ी स्कॉर्पियो गाड़ी एंटीलिया के बाहर पार्क की गई थी, तो यही इनोवा गाड़ी वहां पर 2 बार दिखी गई थी। स्कॉर्पियो गाड़ी का जो ड्राइवर था वो इसमें बैठ के मुलुन चेक नाका गया था, मुलुन चेक नाका के बाद फिर से ये गाड़ी करीब 5:30 बजे फिर से एंटीलिया में आई थी, यानी कि इनोवा गाड़ी जो अब तक जो लापता थी ये बताया जा रहा था मुंबई पुलिस की तरफ से कि इनोवा गाड़ी का कोई भी अता पता नहीं मिला है, लेकिन जैसे ही एनआईए के पास ये जांच पहुंची कि तुरंत ही जो है इस इनोवा गाड़ी को कल ही एनआईए ने जब्त किया है और इसकी छानबीन चल रही है क्योंकि इसमें पाया गया है कि इस इनोवा गाड़ी के जो नंबर प्लेट थे वो बार बार बदले गए थे। और सवाल ये उठता है कि इनोवा गाड़ी का इस्तेमाल जो है सचिन वजे की सीआईयू यूनिट के द्वारा हो रहा था तो बार बार नंबर प्लेट क्यों बदला गया, और ये इनोवा गाड़ी जो है जब ये हादसा हुआ उसके 2 दिन पहले जब ये गाड़ी वहां रखी गई तब भी और 13 मार्च के दिन भी जो है ये मुंबई पुलिस कमिश्नर ऑफिस में पाई गई थी और उसका नंबर बदल के MH10 कर दिया गया था। ठीक है प्रीति, हम लगातार अपडेट्स लेते रहेंगे क्या कुछ नया खुलासा होता है। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए अगली बड़ी खबर